दोस्तों, आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में। और चलिए गुस्से को समझते हैं एक शॉर्ट स्टोरी से। एक बार की बात है, एक लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था और इस बात को लेकर उसका पिता बहुत नाखुश था। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे को सबक सिखाया जाए, और उसने अपने बेटे को एक किलो से भरा झोला देते हुए बोला कि बेटा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तुम इसमें से एक कील निकालना और दीवार पर लगा देना। बेटे ने ठीक वैसा ही किया। जब भी उसे गुस्सा आता वो एक कील दीवार पर लगा देता। पहले दिन उसने 30 कीलें लगाई और ऐसा ही बहुत दिनों तक चलते रहा। बेटे ने सोचा कि रोज़ गुस्सा करने से अच्छा है कि क्यों ना मैं गुस्सा करना बंद कर देता हूँ। और धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर काबू किया। और एक दिन वो भी आया जब उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और वो इस बात से बहुत खुश हुआ। वो अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आज मैंने एक भी किल नहीं लगाई, मतलब आज भी मैंने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया। उसके पिता ने बोला, बेटा बहुत अच्छे, अब एक काम करना, जिस दिन भी तुम गुस्सा नहीं करो उस दिन दीवार में से एक किल निकाल लेना। बेटे ने ठीक वैसे ही किया। जिस दिन भी वो गुस्सा नहीं करता दीवार में से एक किल निकाल देता। और एक दिन उसने सारी किले निकाल दी। वो बहुत खुश हुआ और अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने बोला, बेटा बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा किया, पर क्या तुम दीवार में लगे कीलों की जगह पर छेद देख सकते हो? ये वही छेद होते हैं जब आप किसी पर गुस्सा करते हो तो उनका दिल दुखा देते हो, और वो गुस्से में बोले गए शब्द उसके दिलों तक पहुंच जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कीलों से किए गए छेद पहुंचते हैं।